गाइस ये गोपाल है। हेलो गाइस। और आज हम आए एडवेंचर आइलैंड में मेट्रो वॉक। ये देखो हम एक बार पहले भी आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम मैं यूट्यूबर नहीं थी, मतलब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट नहीं की थी, तो उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब मैं यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ और मुझे आपको तीन बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर करा दिए, सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। 600 हो गए, 500 प्लस वही होता है, ठीक है। तो आई होप आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहोगे ताकि हम और आगे जाएँ और बहुत आगे जाएँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चल रही है। पहले सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आके स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आके ट्यूशन का होमवर्क करो, रात को खाना खाओ और सो जाओ, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी जितनी हो सके उतनी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम अंदर आ गए तो चलते हैं। हाँ, तीसरी बात और बतानी थी, वो ये कि वो मैं भूल गई, चलो कोई बात नहीं, अभी अंदर आ गए, अभी अंदर चलते हैं। गाइस देखो, ये पता नहीं मुझे स्विमिंग पूल है या नहीं, क्योंकि मैं जब पिछली बार आई थी तो मैं भूल गई थी क्या है। और वो जो वहाँ पे एरोप्लेन है, यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। अभी हम देखते हैं हमें कहाँ पे जाके खाने, पीछे भी है और अभी आगे भी बहुत सारे छोड़ कर आ गए हैं हम। हमें शायद हम एरोप्लेन में जा सकते हैं, तो अभी पता नहीं क्योंकि अभी तो हमने शॉपिंग करी है फिलहाल। गाइस ये जो है ना बॉल के अंदर बैठ के आप पानी के अंदर जा सकते हो, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था थोड़ा। देखो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, ऐसे हम भी आ गए क्योंकि आज मन कर रहा था थोड़ा बाहर आने का। बहुत टाइम से हम बाहर भी नहीं आए थे स्कूल की वजह से, लेकिन आज हमारी 2 दिन की छुट्टी है इसलिए हम आ गए। और देखो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, यहाँ पे पानी है और मुझे लग रहा था हमें पानी से पार करके जाना, और मुझे ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक पुल है जिसको हम पार करके जा सकते हैं। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो अब हम चलते हैं उस पार और देखते हैं उस पार क्या है। तो गाइस वहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, देखो अभी आगे और भी हैं। आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, यहाँ पे एक से एक स्टॉल है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। और मतलब यहाँ पे आके अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो बहुत इन्जॉय करोगे, ये मेरी गारंटी है। और मुझे भी क्योंकि यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं एरोप्लेन में। और ये रहा हमारा रनवे 1 का एरोप्लेन। मम्मी पापा आगे चले गए हैं, ये मेरा भाई है, मेरे हाथ में टिकट है, तो पहले तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं जल्दी से, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पीछे रह जाती हूँ। और पता है ये जो है ना पीछे यहाँ पे, ये वो है जो कैमरा लगा के टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ना, जो पूरा 360 कवर हो जाता है। तो मम्मी मुझे कह रही है बनाने के लिए, लेकिन मेरे से नहीं बन पाएगी, पर मैं बना लूँगी अगर मेरे में कॉन्फिडेंस आया तो। अभी फ़िलहाल देखो हम एरोप्लेन के नीचे हैं, ये एरोप्लेन है ऊपर, पहली बार एरोप्लेन के नीचे आई हूँ मैं, बट आई एम स्टिल अलाइव। बिल्कुल पानी के बीचों बीच एरोप्लेन है और ये हमने एंट्री कर ली है। पता नहीं क्यों हैप्पी बर्थडे वाली सीट मिली है हमें यहाँ बैठा दिया, लेकिन यहाँ पे एक एसी है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, तो हम अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि हमें कैसे उसमें बैठना है। अभी मम्मी पापा मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, मेरा और गोपाल का हो चुका है। मैं आपको बताना भूल गई, टाइम हो रहा है 5:15 और मेरा आज जो ड्रेसिंग सेंस है वो ग्रीन और ब्लू है, ब्लू कलर की मेरी जीन्स है, गोपाल ने पिंक और ब्लैक पहन रखा है। इसका आउटफिट बिल्कुल पापा जैसा है, सेम पापा जैसा है, क्योंकि पापा ने भी आज पिंक और ब्लैक पहन रखा है, मम्मी ने ब्लू पहना है, नेवी ब्लू जो कलर होता है। तो अभी हमारा मम्मी ने दीदी की तरह कपड़े नहीं पहने, वो तो कोई बात नहीं। तो अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है तो हम उसका वेट कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज कर रखी है, जो ये वाला बॉक्स होता है जिसमें स्पून और टिश्यू पेपर होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज कर रखा है। ग्लासेस हैं यहाँ पे, पानी की बॉटल दे दी है, प्लेट भी है कि अगर एक्स्ट्रा हमें चाहिए हो, वैसे खाने के साथ तो आएगी। तो गोपाल तुझे यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी खाना ही नहीं आया हमने खाने का। हमने अरे मैंने बताया नहीं, मम्मी खाने में क्या मंगाया। तो गाइस आप ये देखो, आपको इसमें पता चल रहा है इसमें चिली फ्लेक्स हो रही ग्रैनो और जो सॉस होती है वो है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मंगाया होगा हमने। एनी गेसेस? यस। तो हमने एक कैप्सिकम ऑनियन और टमाटो पिज़्ज़ा मंगाया है, एक बर्गर मंगाया है।
और एक रेड सॉस पास्ता मंगाया है, तो वो आने वाला है अभी क्योंकि हमारे पास चिली फ्लेक्स वाली ग्रेनो आ गई हैं, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग सेट के हिसाब से हमारी सीट हैं और हम फर्स्ट सेट पर बैठे हैं और फर्स्ट सेट के साथ में जो सेकंड सेट है उसमें भी काफ़ी लोग बैठे हैं, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई है। तो आप भी अगर आना चाहो तो आ सकते हो, आप यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करोगे एंड आई प्रॉमिस यहाँ पर आके आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हो। अगर मान लो आपका बर्थडे है या फिर आपको कहीं ऐसे मन कर रहा है बाहर आने का, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो टाइम स्पेंड करने के पर्पज से, पर यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। परफेक्ट। देखो मिकी माउस अभी मिकी माउस आ रहा है। हाँ फोटो खींच देना, ये मिकी माउस आ रहा है। हेलो, तुम फोटो खिंचवानी है तो खिंचवा सकते हो साथ में। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत मतलब बताने वाली बात है भी और नहीं भी, बस मैं बता दूंगी बाद में, ठीक है। तो मैं बताना चाहती थी जो मिक्की माउस थे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मतलब ऐसी किसी जगह पर आओ और सडनली कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं आपको बात बताने वाली थी ना, वो बात ये है कि जो अभी पीछे समय से ब्लॉगर भैया गए थे, वो बार बार बाहर जाते हैं फिर अंदर आ जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं फिर अंदर आ जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अलावा यहाँ पे एक और ब्लॉगर है। क्या कहना चाहता हूँ, क्या लगता है कितने सब्सक्राइबर होंगे उनके? तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं? हमारे तो मम्मी गुरु जी की कृपा से, नहीं नहीं गुरु जी की कृपा से 680 हो गए हैं, हो सकता है और बढ़ जाए। After waiting a lot, our burger is here and it's so 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 beautiful. We are with our tomato, capsicum and onion pizza. और ये मम्मी ने इस पे ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। थैंक यू मम्मी। और यहाँ पे हमारा पास्ता आ गया है जिसमें हमें दो गार्लिक ब्रेड भी मिली है साथ में। हम खाना खा के बाहर आ गए हैं और खाना बहुत अच्छा था। जो पिज़्ज़ा था वो अगर मैं रेट करूँ तो 10 में से 10 था, जो बर्गर था वो 10 में से 100 था, और जो पास्ता था ऑनेस्टली बताऊँ तो वो मुझे इतना खास नहीं लगा। तुझे कैसा लगा? अरे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे, अरे कैमरे में, अरे हाँ देखो वो जो ब्लॉगर जा रहे हैं ना, ये वही वाले ब्लॉगर हैं जो बार बार अंदर बार अंदर बार कर रहे थे। अच्छा तो मैं तेरे से पूछ रही, देखो पास्ता कैसा लगा? पास्ता ठीक ठाक था, पास्ता ज़्यादा बढ़िया नहीं था। हाँ मतलब मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा। देखो 10 में से रेट करना हो तो मैं सिर्फ 4 ही रेट करूँगी, ठीक है। और जब हम एरोप्लेन से बाहर आ रहे थे, यू नो ब्लैक पिंक के गाने बज रहे थे और मैं तो इतनी खुश हो गई, बस क्या ही बताऊँ। तो अब हम जा रहे हैं, अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मतलब आधा मेट्रो मॉल खाली, वो मेट्रो वॉक खाली हो गया क्योंकि सब अपने घर ही जा रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है, देखो 6 बज रहे हैं। एंड वी एंजॉयड अ लॉट, व्हाट अबाउट यू? यस आई थिंक। तो वहाँ पे जो एरोप्लेन था ना, वहाँ पे जब हम खाना खा रहे थे, मतलब वही जो हमने अपना मंगाया था वो खा रहे थे, तो एकदम से हमारे अंदर ब्रिटिश की एक्सेंट आ गई थी। क्यों? क्योंकि हमने जो बर्गर मंगाया था वो अमेरिकन बर्गर था और जो पास्ता था वो इंडो ब्रिटिश पास्ता था, तो वो खाते खाते ऐसे अमेरिकन वाली फील आ रही थी। आ रही थी ना? आ रही थी। बट जो बात है, यहाँ पे आके बहुत मजा आए, आई लाइक इट। तो आपको भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ ज़रूर आना, और कभी आओ तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी आ जाऊँगी, दोबारा आने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली फ्रेंड्स घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों बस अच्छा लग रहा है कि इंडिया में इंडियंस के अलावा फॉरेनर लोग भी हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं। जैसे कि वो देखो, वो जो ग्रीन से जंपसूट में एक दीदी जा रही है, वो भी इंडिया की नहीं है, जो उनका क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी देख के पता चलता है कि वो इंडियन नहीं है। बट अब हम अपनी कार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इंजॉय कर चुके हैं, हम चलते हैं। अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रही, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे स्कूटी कार बाइक सब दिख रही हैं उसके हिसाब से पता चल रहा है कितने लोग हैं अंदर। भाई बाहर तो पता नहीं चल रहा। और देखो एक और गाड़ी आ गई, यहीं से हमारी गाड़ी आई थी क्योंकि एंट्री यही है। मम्मी पापा आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो अब मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जब हम घर से निकले थे तब हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। बस पापा ने हमसे ये बोला था कि चलो कहीं घुमा के लेकर आता हूँ, सरप्राइज़ है। हम बस गाड़ी में बैठे थे तैयार होकर और पापा ने बोला कि हम जब पहुँच जाएंगे तब अपनी वीडियो स्टार्ट करिए, अभी कुछ मत बताइए कि सरप्राइज़ है या नहीं। तो हम जब सीधा मेट्रो वॉक में आ गए तब पापा ने बोला कि चलो ये तुम्हारा सरप्राइज़ था, क्योंकि हम बहुत टाइम पहले आए थे और उसके बाद आ जाए हैं। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हमारी गाड़ी, हमारी कार।
और ये देखो यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी थी। तो हम अपनी कार में आ गए हैं फाइनली, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कॉफी राइड है। तो गोपाल, जो मम्मी पापा ने हमें इतना अच्छा सरप्राइज दिया उसके लिए हमें थैंक यू बोलना तो बनता है। मम्मी पापा, तो इस जो हमारा आज का दिन इतना अच्छा गया, हम इतने खुश हैं, इतना एंजॉय किया हमने, उसका सारा क्रेडिट आप दोनों को जाता है, तो थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। बट थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोपाल तुझे? बहुत बढ़िया लगा, लेनी थी वापस। तो बस अब हम एग्जिट कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर, तो अब सीधा घर पर ही मिलते हैं। और गाइस, हम बस अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि जब यहाँ तक आ जाते हैं तो पता चल जाता है हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बताना भूल गई कि आज का मौसम बहुत ऑसम हो रहा है, हो सकता है बारिश हो। गाइस, हम घर पर वापस आ गए हैं एंड आज का दिन बहुत अच्छा गया। अभी शायद से 7 बज रहे हैं, मैंने अपनी घड़ी उतार दी तो मुझे पता नहीं, एक सेकेंड, हाँ अभी 7 बज रहे हैं। और मम्मी चाय बना रही है हमारे लिए, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो अभी नीचे ही मम्मी के पास ही चलते हैं। और मेरे बाल खुले हुए थे लेकिन अब मैंने चोटी बना ली, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी खुले बालों में। अब चलते हैं नीचे चाय पीने के लिए, मम्मी ने चाय बनाई है। आई होप आपको भी मजे आए होंगे ब्लॉग देख के। तो मैं तो चाय पी रही हूँ। ये वीडियो देख के आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे को बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Oh, 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 oh